ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि नवंबर के पहले भाग में कैसा ग्रहों का युगा युग बन रहा है, मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग है। देखिए मेष राशि वालों, जो कार्तिक का महीना आरंभ हुआ है अभी कुछ दिन पहले से, और साथ साथ नवंबर का पहला भाग जो विशेष तौर पर कई ग्रहों के परिवर्तन की सूचना लेके आ रहा है। शनि महाराज सबसे मुख्य ग्रह, यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से दशम और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे और सबसे शुद्ध बहुत बढ़िया योग बनाने वाले हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनाने के योग बनाने। इसके साथ साथ शुक्र आपके छठे भाव में जाएंगे, कन्या राशि में थोड़े से क्षीण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर योग बनाने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग इन्हीं नवंबर के आरंभ काल में बनने के योग दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण योग हैं। इसके साथ साथ पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। इन दिनों जब कार्तिक का पहला पक्ष आरंभ हुआ, कृष्ण पक्ष आरंभ हुआ जिस तिथि में, तो उस दिन चतुर्ग्रही योग बना हुआ था तुला राशि में। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जब प्रथम पक्ष में चतुर्ग्रही योग बन जाता है तो संसार के लिए वो भयावह होता है, विस्फोटक स्थिति बन जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, झंझावात की स्थिति बन जाती है, तूफानों की स्थिति बन जाती है, और ऐसे में ग्रहण भी पड़ा और उसके बाद कई प्रकार के परिवर्तन और आगे आने वाले समय में ये इसका नेगेटिव प्रभाव पुष्प पड़ता दिखाई दे रहा है। यदि शेयर बाजार के हिसाब से देखा जाए, मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी महंगाई परेशान करने के योग बना सकती है। ऐसे में चावल, घी, तेल, चीनी, सफ़ेद पदार्थ, रुई इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, इन सब के दामों में कुछ नया इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। तो जो शेयर मार्केट वगैरह में काम कर रहे हैं तो दिखाई देता है कि ऐसे में महंगाई की मार पड़ सकती है। और साथ साथ एक ग्रह का योग और भी बन रहा है कृष्ण पक्ष में, कार्तिक में एक तिथि बढ़ी, और विशेष तौर पर कहा जाता है शुक्ल पक्ष में एक तिथि घट जाएगी। यदि कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में तिथि बढ़े और कृष्ण शुक्ल पक्ष में विशेष तौर पे घटे तो बहुत कुछ उठापटक होने के योग बन जाते हैं। महंगाई में बहुत ज़्यादा, यानी रेट बढ़ने और घटने के बहुत ज़्यादा, शेयर बाजार में इत्यादि जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे में सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है और भाव घटने के योग भी दिखाई देते हैं। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त विशेष तौर पर जो लोग बाजार में इकट्ठा काम करते हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों की सबसे पहले बात करें तो कार्तिक का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और 1 नवंबर के दिन चतुर्थी की तिथि है। ये चतुर्थी बेहद खास है। इस दिन जो करवा चौथ का शुभ व्रत पड़ रहा है और चांद को देखकर विशेष तौर पर कहा जाता है कि व्रत खोलना चाहिए अपने जीवन साथी की दीर्घायु के लिए। स्त्रियां इस दिन विशेष तौर पर जो व्रत रखती हैं, चंद्र उदय का समय दिल्ली के हिसाब से यदि बात की जाए तो वो रहेगा करीब करीब 8:17 के आसपास। तो पूरा बहुत ज़्यादा चंद्र का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिथुन राशि के चंद्रमा शाम को आ जाएंगे और बहुत बढ़िया यदि बात की जाए ग्रहों के योगा योग के अनुसार से तो आपके लिए अच्छा योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का शुभ योग आपके लिए बड़ा आपके जीवन साथी के लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोशिश ये करें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए सुबह सुबह इस दिन के शुरुआत के साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का, माताओं का आशीर्वाद अवश्य लेकर काम करना शुरू करें। इस दिन माता का आशीर्वाद, वैसे तो हर दिन माता के आशीर्वाद से शुरू होना चाहिए लेकिन इस दिन खास तौर पर ग्रह योग बन रहा है कि जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। यदि माता जी का आशीर्वाद लेकर समस्त प्रकार के लोग कार्य करने का प्रयास करें मेष राशि वाले तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेगा और चावल का दान करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 2 नवंबर की यदि हम बात करें तो ग्रह योग आपके लिए दिखा रहे हैं परिवर्तन का योग, और जो परिवर्तन का योग है वो विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में चला गया और ये परिवर्तन का योग अच्छा है, पुरुषार्थ में वृद्धि करने के योग देगा, हिम्मत जगाने के योग देगा। मंगल शीर्ण चल रहे हैं आपकी राशि के स्वामी, वो आपको अकेला कर सकते हैं लेकिन झगड़ों से बचते हुए काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाएं, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एक काम और करें फालतू के कामों में, दूसरों के, जैसा हमने कहा ना कि दूसरे कामों में ज़्यादा ना पड़े, अपने काम से काम रखने का प्रयास करें। किसी और का झगड़े हो तो वहाँ जाने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 3 नवंबर की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। 3 नवंबर में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और
और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष है। चंद्रमा के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, कन्या राशि में शुक्र जा रहे हैं, शुक्र वहाँ जाके क्षीण हो जाएंगे। मन में थोड़ी सी विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, मन भटक सकता है, अपने मन को संभाल के रखने की ज़रूरत है। सुबह 5:14 पर शुक्र का यह परिवर्तन हो रहा है और करीब करीब आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में 15-20 दिनों के लिए ये विशेष तौर पर मन को साधने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा चंचल रहता दिखाई दे रहा है और घर में मन कम बाहर ज़्यादा लगता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें, गौ सेवा का काम करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन विद्यमान है, ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। सब जो नया काम शुरुआत करना चाहते हैं उसका शुभ लाभ आपको मिल सकता है। यदि ग्रह गणनाओं की बात करें आगे 4 नवंबर की, तो 4 नवंबर को सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और सुबह सुबह चंद्रमा यानी रात को 1:26 परिवर्तन का योग बना रहे हैं और इस दिन शनि भी मार्गी हो रहे हैं। रात को 1:26 पर चंद्रमा परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे और उसके साथ साथ शनि भी दोपहर को 12:33 पर मार्गी हो जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। शनि लगातार आपके एकादश में भाव में बैठकर, लाभ स्थिति में बैठकर वहाँ वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने का सुंदर योग बन रहा है। ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, अच्छा कल्याणकारी योग बनेगा, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए बड़ी सुंदर बनती दिखाई दे रही है, इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। शुभ लाभ आपको अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, इसका लाभ आपको मिलने के सुंदर योग है। तो कोशिश ये करें इस तिथि के दिन शनिवार का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक थोड़ा सा एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए तिल के तेल का, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 5 नवंबर के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि अष्टमी, और ये कोई साधारण अष्टमी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण अष्टमी है, अहोई अष्टमी है। कहा जाता है कि माताएं विशेष तौर पर भगवती दुर्गा की आराधना करती हैं, कालाष्टमी के रूप में इस तिथि को जाना जाता है और अपनी संतान की उन्नति के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं। तारे की चांदी में तारों को जब निकल आते हैं तो रात शाम के समय, तो उनको अर्घ देकर इस व्रत को समाप्त करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। राधा कुंड में भी स्नान करने की सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, शुभ लाभ देने वाली बनी हुई है, आपको थोड़ा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में मां भगवती दुर्गा की आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा और लाभ के दर्श योग भी बनाने के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। 6 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि नवमी का अवसर है, सोमवार की तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 महत्वपूर्ण ग्रह, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा दोपहर को करीब करीब 1:21 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं वृश्चिक राशि में बुध प्रवेश करेंगे और ये दोनों के दोनों परिवर्तन जो हैं ये आपके लिए ग्रहण दृष्टिकोण से एक अच्छा, एक थोड़ा सा कष्टमय होने के योग दिखाता है। जो बात करें हम चंद्रमा तो आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए हीन भावना कोई भी मन में रखेगा तो उसका ही नाश होने के योग दिखाई देंगे। चिंता ना करें, अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा, बुध का ये जो परिवर्तन है विशेष तौर पर आपकी इफेक्टिव जो विशेष तौर पर मैनेजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें थोड़ी कमी लाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में बुध का उपाय आपको करना चाहिए अवश्य, क्योंकि शाम को 4 के आसपास बुध परिवर्तन करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ों को हाथ में संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये उपाय है कि साबुत मूंग जो होती है उसको लेकर भिगोकर थोड़ी गौशाला इत्यादि में डाल गाय को दिलवा दीजिए, वो धीरे धीरे लगातार इस करीब करीब 20-25 दिन इस उपाय को करेंगे तो बुध का थोड़ा थोड़ा उपाय होता रहेगा। क्योंकि बुध जो आपके राशि के स्वामी कई तरह से तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में शुक्र चले गए हैं तो इसके कारण से थोड़ा सा बुध का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए और बुध इन दिनों अस्त भी चल रहे थे तो विशेष तौर पर इसका उपाय आपको अवश्य करते रहना चाहिए। जो हमने बताया, हरी चीज़ों का दान, गायुशाला में पालक इत्यादि का और साथ साथ साबुत मूंग का भिगो के गाय को खिलाना, ये सारे उपाय बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। वहीं 7 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, आपको अपने कार्यों में अच्छी प्रगति मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात का फिर भी ध्यान रखेंगे कि बेकार के लोगों के साथ झगड़े में ना फंसें। देखिए मंगलवार का दिन है, सुंदर ये रहेगा कि लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, कुछ झगड़े का कष्ट ना हो, कपड़े का ध्यान रखें, नए कपड़े ना पहने, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट अग्नि से हानि होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ थोड़ा मीठे का भोग लगा दीजिए, ये सुंदर उपाय करके आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। वहीं 8 नवंबर की बात करें तो उस दिन भी दशमी तिथि है, दशमी वृद्धा हो गई है, 4 घड़ी तक अगले दिन विद्यमान रहेगी इस दिन, उसके बाद एकादशी का आगमन हो जाएगा, एकादशी अगले दिन मानी जाएगी
और इस बार एकादशी बहुत विशेष है, वो बताएंगे आपको। लेकिन अभी दशमी की बात कर लेते हैं, तो बुधवार का योग है, ग्रह योग आपके लिए हमें दिखाई देता है अनुकूल है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एरोगेंसी में ना फंसें। ये समस्या क्या हो सकती है कि केवल मैं ही काम करूं, लेकिन सबका सहयोग लेकर काम करेंगे, थोड़ा छोटा बन के काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा। अननेसेसरी गुस्सा थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी के गुस्से को शांत करने के लिए सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें, ये आपके लिए अच्छा उपाय है, इसको कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं अब 9 नवंबर की। 9 नवंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, दिन बहुत शुभ है, रमा एकादशी का अवसर है और सर्व विशेष तौर पर जो वैष्णव है या स्मार्ट हैं उन सबके लिए एकादशी दोनों दिन के लिए प्रशस्त कही गई है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, चंद्रमा क्षीण हो गए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य, नज़ला इत्यादि, जुकाम इत्यादि, इन सब का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आंवले का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय, ब्राह्मणों की सेवा कर लीजिए, कुछ मंदिर में देवस्थान में जाकर कुछ खान जो सूखा अन्न जो है, चावल इत्यादि, गेहूँ इत्यादि और इन सबको, वस्त्र इत्यादि, इन सबको वहाँ ब्राह्मणों को देकर उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 10 नवंबर का दिन बेहद खास है, इस दिन हम आपको एक ऐसा अकाट्य उपाय बताने वाले हैं, इसको कर आप अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं और एक वर्ष तक अपनी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम बताने वाले हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह गणना पहले समझ लीजिए, उस दिन क्या कह रही है। 10 नवंबर को द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों का योगायोग स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी चल रहा है। शत्रु पक्ष, आपका सामने वाला पक्ष, आपका विरोधी पक्ष थोड़ा भारी हो सकता है। ऐसे में गोवत्स द्वादशी का दिन है तो गोवत्स का जाके पूजन करें, गाय का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन त्रयोदशी है उस दिन, विशेष तौर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे और साथ साथ प्रदोष भी पड़ रहा है, शुक्र प्रदोष है महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो धनतेरस त्रयोदशी के दिन चांदी का कोई सुंदर, शुक्रवार का सुंदर तिथि में पड़ी है, चांदी का कोई अच्छा जो विशेष तौर पर सामान है वो घर में लाकर माँ भगवती की उसी रूप में पूजन करें, चांदी के रूप में ही भगवती को के श्री विग्रह को लाके स्थापित कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो ये रहेगा चांदी के श्री यंत्र को घर में लाके स्थापित करें, आपकी राशि के अनुसार वह बहुत सुंदर रहेगा। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए, उनमें उस थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पर दिया, दो दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। इन और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ ले का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर फिर स्नान कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि दो दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि एक वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। तो अभी इन उपायों को करें, इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।